Welcome to the online classes of City English School System. The date is 21st August. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. And now we start question number 12. Do you explain alai? अलाई का मतलब होता है कि अ सोल्यूशन ऑफ टू और मोर मैटर्स इज कॉल्ड अलाई. दो या दो से ज़्यादा मैटर्स मिला के जिनका एक सोल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अलाई कहते हैं. और एग्जांपल है हमारे पास है जिंक और गोल्ड की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द सस्पेंशन, अ मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर टू लार्ज टू मूव फ्रीली with solvent particles and the other particles are often after settle down is called a suspension. Suspension का क्या मतलब होता है, जो सल्यूट particles होते हैं large, ठीक है, वो move freely करते हैं और जो particles होते हैं वो बाद में settle down हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, suspension होते हैं. solvent आपको बताया गया है कि dissolvable जो चीज़ होती है easily जो dissolve हो जाती है. हाउ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड, कि सस्पेंशन को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं. अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर पेपर. सस्पेंशन को हम फिल्टर पेपर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. द लिक्विड और अ गैस आर पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर बट द सॉलिड पार्टिकल्स ट्रैप्स, ठीक है, फिल्टर पेपर. अब सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो ट्रैप कर लेता है, यानी वो रोक लेता है अपने पास फिल्टर पेपर, और जो लिक्विड और गैसेस में होते हैं वो क्या होते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफाइन सॉलिबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सॉलिबिलिटी. जो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जब वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, सल्यूट के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी कहते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन नॉट डिजॉल्व इन एनी सॉल्यूट. जब सॉल्वेंट कोई भी डिजॉल्व नहीं होता सॉल्यूट के अंदर, जैसे कि सॉल्यूट आपको पता है कि मिक्सचर होता है टू थिंग्स का, ठीक है, जो मिक्स हो जाता है, तो वो क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट विच मेक अ सॉल्यूशन. जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं. इसी तरह वो कह रहे हैं कि सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होता सॉल्वेंट, ठीक है, जैसा कि गीज़र जो है अगर हम वाटर के अंदर डाल दें तो वो डिजॉल्व नहीं होता. इसी तरह अगर हम जो है ऑयल जो है वो वाटर के अंदर डाल दें तो वो डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन, राइट द प्रॉपर टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन डैट इज डिजॉल्व इज सल्यूट. जो आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स आएगी वहाँ पे क्या आएगा, सल्यूट. नेक्स्ट में हमारे पास नंबर टू है टर्म, अ सल्यूशन इन विच नो मोर सल्यूट इज डिजॉल्व, तो वो क्या है, सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड, ठीक है. सैचुरेटेड सल्यूशन वो होता है जो अपने अंदर सल्यूट को डिजॉल्व नहीं करता. उसके बाद नेक्स्ट है, अ सब्सटेंस डैट टेक इन और डिजॉल्व द अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, उसका क्या कहते हैं, उसका क्या है, सल्यूट. उस सब्सटेंस के बारे में बताना है जो अपने अंदर अदर सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर लेता है, तो वो क्या है, सल्यूट है. कि सल्यूट के अंदर हम जो भी चीज़ डालेंगे, जो भी सॉल्वेंट डालेंगे, वो क्या हो जाएगा, इजीली डिजॉल्वेबल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सल्यूट. अ सल्यूशन विच लेस क्वान्टिटी सल्यूट, ठीक है, जिसकी लेस क्वांटिटी होती है सल्यूट की, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं. सॉल्यूशन के अंदर ही लेस क्वांटिटी होती है ना, जब डिसॉल्व सल्यूट और सॉल्वेंट जब डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, तो सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और सल्यूट की कम होती है, तो वो किसके अंदर होती है, सॉल्यूशन के अंदर होती है. हमने इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर्स बताने हैं इनकी जगह जहाँ जहाँ आएंगे, ठीक है. नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट लेटर्स, ठीक है. अब हमने
correct letters को circle करना है. A solution that contains a large amount of a solute is best described. कि आप solution उस solution को बताएं जो large amount of solute अपने पास रखता है. उसको वो कौन सा है, unsaturated, dilute, concentrated या फिर weak. तो हमारे पास क्या है, concentrated solution. कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास क्या है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने पास रखता है. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी कैन मेक अ सोल्यूशन व्हेन वी मिक्स. हम किसको मिक्स करने से, हम शुगर और शुगर को मिक्स करेंगे या फिर सलाद और वेजिटेबल वगैरह को, चीज़ और मैक्रोनीस को. ठीक है. इनको मिक्स करने से हमारे पास प्रॉपर शुगर सोल्यूशन नहीं बनता. जब तक के सोल्यूशन सॉल्ट एंड वाटर को हम डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर सोल्यूशन आ जाएगा. ओके जी. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज Which of the following increases the solubility of gas in a liquid? कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो increase करती है solubility of gas और liquid को. जब gas और liquid solubility increase होती है, ठीक है, gas और liquid की, तो ऑफकोर्स साथ में temperature भी क्या होता है, increase हो जाता है. और next is particles settle down. जो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, जबकि सोल्यूशन में हमारे पास पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, सस्पेंशन में हमारे पास पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं. ठीक है. उसके बाद है विच इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. क्यों वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑलरेडी बहुत सारे मिनरल्स सॉल्ट वगैरह डिजॉल्व होते हैं. ठीक है. ये थे आपके MCQs और आप लोगों ने अपनी बुक्स पे इसको क्या करना है कि लिख लेने हैं. ठीक है. अपनी बुक पे इनको सॉल्व कर लेना है. ओके जी. थैंक यू.